ये वीडियो देखने के बाद लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाना है तो एंट्री और एग्जिट सही होनी चाहिए। लोग एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट कब लेनी है वो उनको समझ नहीं आता। एंट्री लेने के बाद एग्जिट कब करनी है और कब नहीं करनी वो भी लोगों को समझ नहीं आता। इसी वजह से अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत कम होता है और लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है लेकिन सारी स्ट्रेटेजी का मूलाधार यही है जिसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर आप ये सीख गए तो एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है तो आपको प्रॉफिट होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। मान लो आपने एक कॉल ऑप्शन में एंट्री ली है और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है और फिर जब आप एग्जिट करते हो तब मार्केट नीचे चला जाता है तो क्या ये संभव है? इतना सिंपल? हाँ भाई, इतना सिंपल है मार्केट, लेकिन आपको छोटे बच्चे की तरह जैसे सोचना होगा। ये मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, सब बता देगा। जब आपको पता चल जाए कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है तो कितना मजा आएगा, आप सोचो जरा। तो आओ यार, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मूलाधार स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है और कितना लेवरेज मिलता है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको आई बटन पर लिंक है उस पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी उस पर भी क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है कॉल यानी CE और पुट यानी PE। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाय करना है और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आपको पुट बाय करना है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग का। तो आओ हम ये लाइव प्रैक्टिकल समझते हैं कि एंट्री कब लेनी चाहिए और एग्जिट कब लेनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट कैसे चलता है। सब जानते हैं कि मार्केट की मूवमेंट है वो डायरेक्ट कभी नहीं होती, डायरेक्ट अप नहीं जा सकता या डायरेक्ट डाउन नहीं आ सकता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मार्केट की मूवमेंट इंसानों की धड़कन जैसी होती है, धक 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 धक, क्योंकि मार्केट जिंदा लोगों की वजह से चलता है, मुर्दा यहाँ ट्रेड करने नहीं आता। तो अब हम मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है वो हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, क्योंकि एंट्री तो ले ली लेकिन अगर एग्जिट नहीं ले पाए ना तो आपको या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और लॉस बहुत होता है इसमें, इस केस में लॉस बहुत होता है। प्रैक्टिकल में समझते हैं तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, तो इतनी मार्केट तो ये मूवमेंट करता रहता है पूरे दिन, तो कैसे हम जानें कि सही एंट्री और सही एग्जिट क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपसाइड में जो ट्रेंड होता है, जो अपसाइड ट्रेंड होता है उसमें कैसे एंट्री बनाए और एग्जिट कब करनी है हमें ये जानना है। जब मार्केट अपसाइड को मूवमेंट कर रहा हो तो एंट्री कब लेना है और कैसे लेना है हम ये प्रैक्टिकल जानते हैं। जब आपने मान लो कि 100 रुपये में एक ऑप्शन बाय कर लिया है, तो अब जाहिर है कि जब आपने 100 रुपये में एक ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट की जो मूवमेंट है ये ऐसे ऐसे होने लगेगी, ऐसे तो होएगी, डाउन भी आएगा, अप भी जाएगा, लेकिन कैसे हम इसमें प्रॉफिट करें? और कई लोग तो इसमें लॉस भी कर देते हैं, जब अप डाउन होता है फिर भी लॉस होता है, ऐसे क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। चलो मान लो मैंने 100 रुपये में ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, 100 रुपये वाला ऑप्शन मैंने बाय कर लिया, यहाँ पर मैंने बाय किया, ठीक है, या अब यहाँ से मुझे कुछ ऐसा विजन मिला होगा कि मैंने अप ट्रेंड के लिए ऑप्शन बाय किया, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से बाय किया तो मार्केट यहाँ तक मूव किया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट अगर डाउन आया है थोड़ा सा तो यहाँ एग्जिट कर लेंगे, तो उनको क्या मूवमेंट मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी ना, यहाँ कुछ मूवमेंट ही नहीं है, इतनी मूवमेंट थोड़ी चलेगी ऑप्शन मार्केट में। अगर आपने ज़्यादा लॉट बाय किए तो ठीक बात है, लेकिन इतनी मूवमेंट तो नहीं चलेगी ना, तो फिर यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय किया और यहाँ तक गया तो अभी डाउन आया
तो यहाँ तक आया। देखो यहाँ पे इसने ये लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से अपसाइड चला गया। अब हमें ये देखना है कि ये लो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये लो ब्रेक करता है तो ही हमें ऑप्शन एग्जिट करना है, अगर नहीं करना ठीक है। यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से ऊपर चला गया, डाउन आ गया, ऊपर चला गया, डाउन आ गया। ये अपसाइड अप ट्रेंड है, ये इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ऐसा जिगजैग होता रहता है, हमें इससे डरना नहीं है क्योंकि यही तो है, ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लोगों का, ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे ना तो हिट हो जाएगा, 10-15 स्टॉप लॉस तो ये ऐसे ही लेके चलता है मार्केट, इससे कोई नहीं बच सकता। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ये लेके ही चलता है। और अगर आपने ज़्यादा बड़ा प्रीमियम बाय किया है, 200-300 वाला प्रीमियम बाय किया है, तो 10-20 पॉइंट का जो आपने स्टॉप लॉस रखा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही, मतलब लॉस करने के लिए रखा है ऐसा समझ लो। अब फिर से यहाँ से अप चला गया और फिर से यहाँ से डाउन आ गया, तो हमें क्या लगता है कि एक बार तो डाउन आ गया, फिर अगर फिर से डाउन आ जाएगा तो हमारा सारा लॉस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से डाउन आ गया, लेकिन फिर भी हमें ये ऑप्शन एग्जिट नहीं करना क्योंकि इसने फिर से ये लो ब्रेक नहीं किया है। अगर ये लो ब्रेक नहीं करता तो हमें ऑप्शन क्यों एग्जिट करना है। फिर से यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से यहाँ से नीचे आके ऊपर चला गया, ऐसे अप ट्रेंड चला गया। ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, ऐसे जो प्राइज एक्शन में ऐसे मूवमेंट पकड़ी जाती है, बड़े बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। तो हमें एग्जिट कब करनी है, एंट्री कब एग्जिट करनी है, ये भी पता होना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, अगर ये ब्रेक कर लिया ये लेवल जो जहाँ से हमने बाय किया है वहाँ से ब्रेक कर लिया, या कुछ लेवल है यहाँ पे कुछ लेवल है, कुछ ट्रेंड लाइन है या कुछ भी है, और वो ब्रेक कर लेता है, फिर से डाउन 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 तरफ ब्रेक कर लेता है ना, तो हमें ये पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये फेक भी हो सकता है, ये फेक मूवमेंट भी हो सकता है मार्केट में, ऐसा फेक मूवमेंट बहुत दिखाया जाता है कि लेवल थोड़ा और सारे लोग घुस जाते हैं, फिर इसमें से ऐसा गिर जाता है ना मार्केट, तो कुछ हमारे हाथ में भी नहीं आता, कुछ समझ में भी नहीं आता कि कैसे ये हो गया। तो यहाँ से हमें एंट्री एग्जिट कर लेनी चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख देना चाहिए। सिंपल भाषा में समझे तो जब यहाँ से मार्केट अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा, लेकिन हमें तब तक पोजीशन हमें एग्जिट नहीं करनी जब ये लेवल या ये लेवल या ये लेवल तोड़े ना। ये मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाए ना यहाँ से, तो फिर एंट्री एग्जिट कर लेनी है, इतना प्रॉफिट हमें बुक कर लेना है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर लेता है तो हमें एंट्री एग्जिट नहीं करनी। इसी तरह आपने पुट बाय किया है, यानी अगर मार्केट नीचे जा रहा हो तो आपको पुट बाय करना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपने पुट बाय किया, तो यहाँ पे आपने 100 रुपये में पुट बाय किया है, 100 रुपये वाला पुट ऑप्शन बाय किया है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। यहाँ से मार्केट अगर डाउन जा रहा है फिर यहाँ से अप आएगा, तो आपको एंट्री तब एग्जिट करनी है जब ये लेवल जहाँ से आपने ऑप्शन बाय किया है वहाँ से अप जा रहा है, तो आपको एंट्री एग्जिट करनी है, वरना नहीं करनी ठीक है। और यहाँ से अगर वहाँ टच करके फिर भी नीचे आया फिर भी आपको एंट्री एग्जिट नहीं करनी, क्योंकि अभी सेलर एक्टिव है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ सेलर एक्टिव है, ये आप सोच सकते हो। और यहाँ से मार्केट और भी नीचे आएगा, फिर यहाँ से जो उसका हाई है, ये वाला हाई है, अगर मार्केट फिर से ऊपर आया और अगर हाई नहीं तोड़ा, तो मान लो कि अभी और भी मार्केट नीचे आने वाला है, और आपको जो आपने ऑप्शन बाय किया है उस पर आपको बरकरार रहना है, और उस पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बचा रहे। अगर मार्केट एक तरह से ऐसे मूवमेंट करेगा ऐसे तो आपको आपका प्रॉफिट है वो बचा रहेगा। तो ऐसे एंट्री और एग्जिट करनी है,
आपको समझ आ गया होगा कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है।